गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक बुक अ पेंसिल एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सी है? एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, ये है का जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज, जो कितने हैं। तो आप सभी के पास में बुक होगी तो क्वेश्चन लिखने का कोई काम नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट रीड करके बता देता हूं। ठीक है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, एक कॉलेज है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 72,859। आउट ऑफ दैम 34,885 आर गर्ल्स, इसमें से गर्ल्स है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। पहले देखो स्टूडेंट में क्या आता है, आप एक चीज देखना, स्टूडेंट का पूछे कॉलेज में स्टूडेंट किसे कहते हैं, स्टूडेंट में आपके पास दोनों आते हैं, स्टूडेंट का मतलब उसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स मिले हुए होते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने इसमें, स्टूडेंट दे रखा है हमें कितना, 72,859। ठीक है, अब उसमें से गर्ल्स दे रखी है कितनी, अगर मैं स्टूडेंट में से गर्ल्स को बाहर निकाल दूं तो पीछे कौन बचेगा, बॉयज। ठीक है, तो बॉयज कैसे निकालेंगे, डिफरेंस अंतर निकाल देंगे। ठीक है, तो 72,859 ये क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, गर्ल्स कितनी है, अगर पूरे स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर दें तो पीछे क्या बचेगा, बॉयज, और हमें बॉयज ही पूछा है, तो गर्ल्स है अपनी 34,785। करते हैं सबट्रैक्ट, देखो 9 है हमारे पास में, 9 है, किसी को 5 देना है आराम से दे पाएंगे, 9 में से 5 गया बचा 4। ठीक है, हमारे पास में 5 रुपीज है, ठीक है, हमें किसी को 8 रुपीज देना है तो हम नहीं दे पाएंगे, हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। जब 5 ने इससे उधार लिया तो हो गया 15, और इसने इसको उधार दिया तो अब इसके पास हो गया 7। तो 15 और 8, 15 में से 8 गया तो सब्ट्रैक्शन होता है कि या डिफरेंस होता है, तो 8 से आगे काउंटिंग करो, 15 पे रुक जाओ, 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 कितना आया, 7। ठीक है, अब 7 में हमारे पास 7 थे, 7 ही हमें दे दिए तो क्या बचा हमारे पास में, 0। देखो अब हमारे पास में 2 रुपीज है, हमसे कोई 4 रुपीज मांगता है तो हम कैसे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। जब 2 बोरो लेगा तो 12 हो जाएगा और इसके पास हो जाएगा 6। 12 में 12 और 4 का सब्ट्रैक्शन मतलब कैसे करेंगे डिफरेंस, 4 से आगे के लो, देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आया, 8। ठीक है, 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो अब मैं क्या लिखूंगा, बॉयज कितना है, तो लिखेंगे हम द नंबर ऑफ बॉयज आर 38,074। ठीक है,
द नंबर ऑफ बॉयज आर 38,074। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करें आराम से अपने नोटबुक में। तो फटाफट कॉपी करें आप। आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ मिल्क डेयरी प्रोड्यूसेस, एक मिल्क डेयरी है जो दूध की डेयरी है, प्रोड्यूस 42,856 लीटर ऑफ मिल्क इन वन मंथ। अ मिल्क डेयरी प्रोड्यूस करती है 42,856 लीटर ऑफ मिल्क इन वन मंथ। एक महीने में कितना करती है एक डेयरी? 42,856 इन वन मंथ। इफ इट इज सप्लाइड टू थ्री टाउन्स, ठीक है, 12,623 लीटर्स ऑफ वन टाउन, 15,728 लीटर्स टू सेकेंड टाउन, फाइंड हाउ मच मिल्क वॉज सप्लाइड टू द थर्ड टाउन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट टाउन ठीक है, और सेकेंड टाउन, दो ही टाउन का दे रखा है, फर्स्ट टाउन और सेकेंड टाउन में कितना सप्लाई हुआ है देखते हैं। फर्स्ट टाउन में उसने कितना सप्लाई किया? इफ इट इज सप्लाई टू द थ्री टाउन्स वन टाउन, पहले जो टाउन था उसमें दिया उसने 12,623, ठीक है, उसके बाद में सेकेंड टाउन में उसने दिया 15,728, ठीक है, ये उसने सेकेंड टाउन में दिया। तो आप पूछा है भाई थर्ड टाउन में कितना दिया, अब दो का ही दिया हमें, तो देखते हैं प्लस करते हैं, 8 और 3 हो गया 11, 11 का 1 और 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, 6 और 7 हो गए अपने 13, 13 का 3 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 और 2 ये इतना लीटर, ठीक है, लीटर। अभी दो टाउन में उसने कितना दिया 28, हाँ, अब टोटल कितना था, टोटल मिल्क टोटल मिल्क था उसके पास में 42,856 लीटर, ठीक है, टोटल तीनों टाउन में ये देके आया, पर हमारे पास में कितना है, तीनों टाउन में वो जो मिल्क देके आया था वो ये था, ठीक है, टोटल यानी थ्री टाउन्स इसमें ये था। अब मुझे, मेरे पास में दो टाउन का है मगर ये पूरा किया थ्री टाउन्स का है, मैं थ्री टाउन में अगर टू टाउन बाहर निकाल दूं, ये टू टाउन्स माइनस कर दूं, तो पीछे क्या बचेगा, ठीक है, 28
3.51 लीटर। तो जो बचे का माइनस करने पे वो क्या हो जाएगा, थर्ड टाउन का। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 8 जाता है क्या, नहीं। तो 2 क्या करेगा, बोरो लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और यहां बच गया 3, 3 में से 2 गया 1। अब आप इसको कॉपी करें, ये अब आपका आंसर। तो थर्ड टाउन में क्या होगा, तो थर्ड टाउन कितना, 14,505 लीटर मिल्क। फटाफट आप कॉपी कर लें, फिर आपको करते हैं आगे, अच्छी राइटिंग से करें, ठीक है। तो मैं अब आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क आपका है क्वेश्चन 3, ठीक है। होमवर्क में आपको क्वेश्चन 3 करना है। देखो क्या करना है, आ टाउन है, पॉपुलेशन है, टाउन में पॉपुलेशन है, कस्बा है, जैसे हमारा खेजला है वैसे ही 84,340 पीपल है, जिसमें से 37,856 ड्रिंक टी, चाय पीते हैं, ठीक है। 14,822 ड्रिंक कॉफी, कॉफी पीते हैं, चाय और कॉफी वाले को ऐड कर लो इसके जैसे ही टी एंड कॉफी, टी और कॉफी को ऐड कर लिया, ठीक है। और क्या करोगे, वापस टोटल में से इन जो यहाँ आंसर आएगा वो पहली वाली संख्या में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।